एक चीज है जो हम सारे टीचर्स को पसंद है, एंड वो ये चेक करना है कि हमारे स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं, एंड वो हम कैसे कर सकते हैं? यस, क्विजेस एंड असाइनमेंट्स देकर, एंड गूगल क्लासरूम ने ये बहुत आसान कर दिया है। अपने गूगल क्लासरूम डैशबोर्ड पर आप वो क्लासरूम चुन सकते हैं जिसमें आप क्वेश्चंस या असाइनमेंट्स ऐड करना चाहते हैं, और फिर आप क्लास वर्क सेक्शन की ओर जा सकते हैं। एक बार जब आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आपको तीन ऑप्शंस दिखाई देंगे। ये आपको स्टूडेंट्स के अंडरस्टैंडिंग के लेवल को एसेस करने में आपकी मदद करेंगे। आप स्टूडेंट्स को लॉन्ग फॉर्म असाइनमेंट्स या ग्रेडेड क्विजेस दे सकते हैं, या आप उनसे सिर्फ एक सरल सवाल भी पूछ सकते हैं। चलिए इन ऑप्शंस को वन बाय वन समझते हैं। अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट या कुछ टास्क देना चाहते हैं तो पहला ऑप्शन बेस्ट होगा। एग्जाम्पल के लिए आप अपने स्टूडेंट से पूछना चाहते हैं कि लीनियर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट और इमेजेस का यूज करके समझाएं। फिर आप क्रिएट पर क्लिक करें और असाइनमेंट को सिलेक्ट करें। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर करना होगा। उसके बाद आप गूगल ड्राइव से एक फाइल ऐड कर सकते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां आप अपनी फाइल्स को रिमोट सर्वर्स पर स्टोर कर सकते हैं और अपने लोकल मशीन या लैपटॉप पर नहीं। यहां पर डेटा पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी आपकी फाइल्स तक नहीं पहुंच सकता है जब तक आप किसी को ऐसा करने की परमिशन नहीं देते। जब भी आपका मन करे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं जिसे आप शेयर करना चाहते हैं। ये रहा। इस पॉइंट पर गूगल क्लासरूम हमें एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन देता है। ये आपसे पूछता है, ऐसा क्या है जो आप अपने स्टूडेंट्स को अपनी फाइल्स के साथ करवाना चाहते हैं? क्या वो फाइल्स को सिर्फ देख सकते हैं, या क्या सभी स्टूडेंट्स आपकी उस फाइल को एडिट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिकली हर स्टूडेंट के लिए एक अलग कॉपी बनाए? फिर आपके लिए सबसे उचित ऑप्शन को सिलेक्ट करके फिर राइट की ओर दिए गए डिटेल्स को सिलेक्ट करें और असाइन पर क्लिक करें। स्टूडेंट्स को क्या दिखेगा? चलिए स्टूडेंट व्यू में शिफ्ट होते हैं। फिर स्टूडेंट्स अपने डैशबोर्ड पर असाइनमेंट देख पाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद उन्हें ये स्क्रीन दिखाई देगा। स्टूडेंट्स अब वह कॉपी देख पाएंगे जो आपने उनके लिए बनाया है। अगर स्टूडेंट्स को कुछ और शेयर करना है तो वो यहाँ ऐड या क्रिएट ऑप्शन यूज करके अपना काम सबमिट कर सकते हैं। असाइनमेंट खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स टर्निंग पर क्लिक करके उनका वर्क सबमिट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को कंफर्मेशन के लिए पूछा जाएगा और फिर प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर कभी स्टूडेंट्स ने गलती से उनका असाइनमेंट सबमिट किया, या अगर उनको कुछ ऐड या एडिट करने का मन किया तो वह अनसबमिट करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। चलिए टीचर व्यू पर स्विच करते हैं। हम अगले लेसन में क्विज असाइनमेंट के दूसरे ऑप्शन को और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए इस बात पर ध्यान देते हैं कि आप क्लासरूम में एक सिंगल क्वेश्चन कैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन पर क्लिक करने पर आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे। ध्यान दें कि इसका यूज सिर्फ तभी किया जाता है जब आप एक सिंगल क्वेश्चन ऐड करना चाहते हैं, ना कि क्वेश्चंस की एक सीरीज। फिर आप अपना सवाल एंटर करें और इसके साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकते हैं। आप फिर चुन सकते हैं कि क्या ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है या एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। चलिए मल्टीपल चॉइस ऑप्शन चुनते हैं और चार ऑप्शंस ऐड करते हैं। और आप उनके रेफरेंस के लिए डॉक्यूमेंट्स या प्रेजेंटेशंस भी ऐड कर सकते हैं बाकी के ऑप्शंस यूज करके। फिर आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसे सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं या कुछ ही स्टूडेंट्स के साथ। आप या तो मार्क्स असाइन कर सकते हैं या इसे अनग्रेडेड रख सकते हैं, और अगर ज़रूरत हो तो एक ड्यू डेट रख सकते हैं। और फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये सवाल किस टॉपिक का हिस्सा है, और फिर आस्क पर क्लिक कर सकते हैं। आपका सवाल अब लाइव हो गया है और आपके स्टूडेंट्स इसे अपने डैशबोर्ड पर देखेंगे। चलिए स्टूडेंट व्यू में शिफ्ट होते हैं। स्टूडेंट्स इस तरह क्वेश्चन देखेंगे। वो सही उत्तर चुन सकते हैं और टर्न इन पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब स्टूडेंट सवाल का जवाब दे देती है तो वो क्लास समरी भी देख सकेगी। एक्चुअली टीचर्स यह सिंगल क्वेश्चन ऑप्शन डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। कुछ टीचर्स ये ऑप्शन पोल लेने के लिए यूज करते हैं, और कुछ टीचर्स इसको स्टूडेंट्स के सोशल और इमोशनल हेल्थ सपोर्ट करने के लिए भी यूज करते हैं। बहुत आसान था, है ना?
लेकिन क्या होगा अगर आप अपने स्टूडेंट्स को एक क्विज देना चाहते हैं जिसमें 10 या 15 सवाल हैं? फिर आप यहाँ से क्विज असाइनमेंट ऑप्शन को चुन सकते हैं। हम अगले वीडियो में इस ऑप्शन को देखेंगे।